प्रियंका हूँ और आज हम लोग वेजिटेबल पैनकेक्स बना रहे हैं। वेजिटेबल पैनकेक्स में हम बहुत सारा न्यूट्रिशन डालने वाले हैं वेजिटेबल्स के फॉर्म में, और ये इतना सारा फाइबर और इतना सारा न्यूट्रिशन आप सभी की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ में ये बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं। पैनकेक वैसे तो बहुत सारी तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम जैसे बना रहे हैं उसके लिए मैंने लिया है उबले हुए आलू। उसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल आलू को आप मैश भी कर सकते हैं उबाल के। और यहाँ पे मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, और ये गाजर है जो कि हमने ग्रेट करके रखा है, और साथ में यहाँ पे थोड़ी सी धनिया है छोटी छोटी बारीक चॉप की हुई, और ग्रीन चिलीज को मैंने बहुत बहुत बारीक कर लिया है, आप देखिए इस तरह से। और साथ में यहाँ पे मेरे पास थाइम लीव्स हैं। थाइम अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप ऑरिगेनो डाल सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल ड्राई मसाले आते हैं पिज्जा के लिए, पिज्जा सीजनिंग या इटालियन सीजनिंग, वो डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ प्याज लिया है। प्याज को देखिए मैंने जो ये एकदम बारीक चॉप किए हैं वो इस की सहायता से किए हैं। ये बहुत आसान पड़ता है, स्पेशली प्याज जो है वो छीलने में और फिर काटने में बहुत रोना निकलता है, उससे अच्छा हम इसमें कर सकते हैं। और इस तरह से ये आप थोड़ी देर इसको करेंगे तो ये इतने अच्छे पिस जाते हैं, ये देखिए इतना बारीक हो गया है। ये इसी तरह से हमको चाहिए थे प्याज, तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब जितना भी सामान है हमको इनको मिलाना है, हमारी धनिया, हमारी ग्रीन चिली, ये जो आलू है इसको भी डाल देंगे हम इसके अंदर। अब जो हमारी थाइम लीव्स हैं उनको इस तरह से आप करके इसके अंदर डालते जाइए, उल्टा अगर हम पील करते हैं तो ये जल्दी से इनकी लीव्स निकल जाती हैं, तो इसको आप इस तरह से पील करिए, ऐसा पकड़ो, और ये दूसरी तरफ से। और ये थाइम जो है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको थाइम नहीं मिलती है तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन का भी सेम ही फ्लेवर आएगा, तो या तो थाइम मिल जाए या फिर अजवाइन मिल जाए। इसको बनाने के लिए आप अगर आप चाहें तो आप इसमें चीज डाल सकते हैं, और ये एकदम पिज्जा की तरह आपको स्वाद देगा, मगर मैं इसे वीगन बना रही हूँ अभी, तो हम चीज नहीं डालेंगे इसके अंदर, और ये थोड़ा ज्यादा हेल्दियर रहेगा जो हमारा पैनकेक है। इस तरह से ये सारी पत्तियां, थोड़ा टाइम लगता है इनको निकालने में ऑफकोर्स। इसके बाद मैं इसमें एक स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, एक बड़ा स्पून सॉल्ट। यहाँ मेरे पास मैदा है, मैदा इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसको बाइंड करेंगे। तो मैदा जो है वो हमारे बाइंडिंग के लिए मेनली इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इस तरह से आप दोनों हाथों की सहायता से मिलाते जाइए, और जितना आपको बाद में मैदा चाहिए है उतना आप ग्रेजुअली डालते जाइए, पहले से ज्यादा मत डालिए। तो जो हमारे वेजिटेबल्स का पानी है उसको हमको सोक इन करवाना है हमारे मैदे के साथ में, और जो हमारे आलू हैं इनको भी अच्छी तरह से बाइंड हो जाना चाहिए। थोड़ा और डालती हूँ मैं, इतना तो चला ही जाएगा मुझे लग रहा है। इसको अच्छी तरह से आप मिला लीजिए, जैसे हम आटा लगाते हैं रोटी का उसी तरह से हमको इसको मिला लेना। तो हमारा आटा अब गुन चुका है, इसको बनाने के लिए अब मैं इस तरह से एक बहुत बड़ा सा ऐसा गोला लूंगी, आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं, मुझे लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना है, ऐसा मैंने इसको गोले को बना लिया। और सूखा जो मैदा है उस पे मैं ज्यादा सा मैदा लगा रही हूं ताकि हमको बेलने में आसानी पड़े। ये हो गया, अब मैं इसको बेलूंगी। अब इसको बेलकर हमें इस शेप में बनाना है, तो पहले मैं इसको लाइट हाथों से इस तरह से बेल लेती हूं, ये देखिए ऐसे, ऐसा मैंने इसे बेल लिया है। अब इसको अपने हाथों की सहायता से इस तरह से हम इसको ब्रेड के जैसा शेप दे देते हैं, ये देखिए मैंने इसको ब्रेड के जैसा शेप दे दिया। आप गोल भी बना सकते हैं जैसा पराठा बनता है उस तरह से, मगर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। और फिर किसी भी स्पैचुला के साथ में आप इस तरह से इसे उठाइए, इस तरह से गैस के ऊपर रख देंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिम गैस करके और फिर रखा है, ये ज्यादा मैंने तेज नहीं रखा है। यहाँ मैं ये दूसरा वाला भी आराम से उठा के इसके साइड में रख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, आप बटर ले सकते हैं, लेकिन मैं वीगन बना रही हूँ अगेन इसको, तो इसीलिए ऑयल के साथ मैं इसको ब्रश कर रही हूँ।
थोड़ा ही ऑयल लगेगा इसमें, ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, एकदम क्रिस्प करना है। तो हम इसको सिम पे सेकेंगे, तो गैस को आप कम ही रखिए, बहुत तेज हमें इसे नहीं करना है। इस तरफ ऑयल लग गया है, अब इसको पलट देते हैं इस तरह से, और ये दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे। दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दीजिए अच्छी तरह से, ये पूरा कोट हो जाना चाहिए। और सिम पे ही रखिए गैस को, क्योंकि इसको अच्छे से अंदर तक पकना चाहिए, जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से पक जाएं, इसीलिए सिम पे हम गैस पे इसको सेकेंगे। और ये अच्छे से पके इसलिए मैं इस पे ये ढक्कन लगा देती हूँ, ताकि ये आराम से हो जाए। अब ये एक तरफ पक चुके हैं, मैं एक बार इसे पलट चुकी हूँ, एक बार फिर से हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। ये बहुत सॉफ्ट है तो इसलिए ध्यान से इनको पलटिए, ताकि ये टूटे नहीं, बस ये ध्यान रखिए। इनको वापस से हम ढक देते हैं। हमारे पैनकेक जो हैं, अब लग रहा है ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एक बार और पलट के देखते हैं। हाँ देखिए ये कैसे क्रिस्प हो गए हैं ऊपर से, ये देखिए एकदम क्रिस्प हो गए हैं, और ये खाने में बहुत अच्छे लगने वाले हैं वेजिटेबल पैनकेक्स हमारे। हम इसको और पका लेते हैं, ताकि एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से लगे दोनों साइड। बस इन्हें हम निकाल लेंगे, आप सर्विंग बाउल में आप निकाल लीजिए। बस इसे आप इस तरह से सर्विंग के लिए निकाल लीजिए, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। और हम बाकी के जो हैं उनको भी डाल देंगे, डाल दिया। और यहाँ पे ये तो धीरे से स्लाइड करते हुए डालेंगे, और सिम पे रखेंगे हमारी गैस को, और ऊपर हम ये ऑयल लगा देंगे इस तरह से। थोड़ा सा ब्रश करिए ऑयल, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, वैसे हमने अंदर भी ऑयल नहीं डाला है। इसको पलटेंगे इस तरह से, पलट लीजिए, और दूसरी तरफ भी ऐसे ऑयल स्मियर कर दीजिए। इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही है, और बस इसको थोड़ी देर के लिए ढककर हम सिकने देंगे। ये देखिए एक तरफ कितना अच्छा हो गया ये। अब ये हम पलट लेते हैं इस तरह से, इसको हल्के हाथ से उठा के पलटिए। और अगर आप चाहें तो इसमें चीज मिला सकते हैं, चीज के साथ में ये एकदम चीजी सा आपका पैनकेक लगेगा। तो गाइस हमारे जो वेजिटेबल पैनकेक्स हैं वो अब तैयार हैं, आप देखिए ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, और खाने में उतने ही ज्यादा यमी होने वाले हैं, साथ में हेल्दी भी होंगे, क्योंकि हमने इतने सारे वेजिटेबल्स डाले हैं इसके अंदर। आपने देखा कि ये वेजिटेबल पैनकेक्स बनाना कितना आसान था। और अगर आपके पैनकेक्स अगर गीले हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपसे फैल नहीं रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा आटा डाल सकते हैं, तो ये थोड़ा बाइंडिंग में आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। इसके अलावा ये बहुत आसान है, अगर आपसे शेप नहीं भी बन रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, इसे जरूर ट्राई करिए। आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, और बच्चे तो नॉर्मली जब भी चाहें उनको दिया जा सकता है, मील के जैसे भी इन्हें दे सकते हैं, क्योंकि ये इतना सारा न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो इसे आप जरूर बनाइए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि जब आपने ये बनाया तो आपको ये कैसा लगा। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।